आज की जो विजुअल बेसिक की क्लास है इसमें हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है क्वेश्चन आपके सामने है कि राइट ए प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक टू चेक वेदर एन एंटर्ड नंबर इज प्राइम, सॉरी प्राइम लिखा हुआ है यहाँ पर, इवन और ऑड लिखना है, इवन और ऑड। हम इवन और ऑड की चेकिंग करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लियर है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम इवन और ऑड की चेकिंग करेंगे। आपको कोई भी प्रोग्राम अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि इनपुट और आउटपुट क्या होगा। तो इस प्रोग्राम पर एक इनपुट होगा, एक नंबर, कोई भी एक नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं कि एक नंबर आपने दिया 8, इनपुट में आपने दिया 8, तो आउटपुट क्या होगा आपका, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो 8 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो यानी कि आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें इनपुट एक नंबर होगा और आउटपुट में या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो आउटपुट देने के लिए इवन या ऑड ये होगा, क्लियर है। सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमने इनपुट और आउटपुट डिसाइड कर लिया है, उसके हिसाब से फॉर्म डिजाइन तैयार करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म तैयार किया है और फॉर्म में हम इनपुट और आउटपुट के लिए दो, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें इनपुट लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक लेबल बनाते हैं और यहाँ पर भी एक लेबल बनाएंगे। लेवल में लिखेंगे एंटर, लेवल 1 जो है इसमें हमको लिखना होगा एंटर ए नंबर, ताकि यूजर को पता चले कि यहां पर एक नंबर इनपुट करना है, क्लियर है। और नंबर यहां पर इनपुट करना है टेक्स्ट 1 में, तो टेक्स्ट 1 को ब्लैंक करना होगा। तो इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको सेलेक्ट करेंगे, चारों तरफ डॉट आ जाएगा, यहां पर टेक्स्ट 1 लिखा जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको ब्लैंक कर देंगे, ये ब्लैंक हो गया। यहां पर लिखेंगे रिजल्ट, सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट में या तो इवन लिखा हुआ आएगा या तो ऑड लिखा हुआ आएगा, इसको भी पहले से ब्लैंक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, चारों तरफ डॉट आ जाएगा, यहां पर टेक्स्ट 2 लिखा हुआ आएगा और इसको यहां पर इस तरीके से एक कमांड बटन बनाते हैं जिसमें हमको लिखना होगा चेक। ये हमारा फॉर्म डिजाइन तैयार है। फॉर्म डिजाइन को जब मैं रन करूंगा तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर मैंने एक नंबर दिया 8 और जब भी मैं चेक करूंगा तो यहां पर आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है, हमने कोड करके उसको बताया नहीं है कि क्या आउटपुट देना है, क्लियर। कोड करना बच्चा ही, केवल फॉर्म डिजाइन तैयार हो गया है। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स यूज किए गए हैं, दो लेबल यूज किए गए हैं और एक कमांड बटन यूज किया गया है। सारे कंट्रोल्स को आप जानते हैं कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करता है, तो इसलिए इन कंट्रोल्स को पहले बताया जा चुका है। हमको इसका कोड करना है, ध्यान से देखिए कोड कैसे करेंगे। जिस बटन पे क्लिक करने पर आउटपुट चाहिए उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो दिख रहा है कमांड 1, इस पर डबल क्लिक करेंगे, कोड विंडो ओपन हो जाएगी और पहले से लिखे रहेगा प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। मैं पहले ही बताया हूं कि अंडरस्कोर को हम पर समझेंगे। कमांड 1 पर क्लिक करने पर क्या काम होगा वो हमको यहां पर लिखना है कोड में, क्लियर। तो यहां पर हम कोड लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम वेरिएबल में होल्ड कराएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए मैंने पहले ही बताया डेटा टाइप में डिम एन एस इंटीजर, एक डेटा टाइप मैंने बनाया डिम एन एस इंटीजर। एन की वैल्यू कहां से आएगी, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। देखिए कोड का मतलब आपको समझना है, यहां पर मैंने डिम एन एस इंटीजर बनाया, एन एक वेरिएबल है। लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, तो एन एक वेरिएबल है जो कि नंबर स्टोर करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो मैंने वैल्यू दी 8, ये 8 वाली वैल्यू इस n में चले जाएगी, क्लियर है, उसको हम लास्ट में और समझेंगे। अब अगर मुझे टू वे ब्रांचिंग का चेक कराना है, यानी इवन यह है कि नंबर की ऑड है, या फिर
कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहां दो में से एक को सेलेक्ट करना होता है वहां पर हमको टू वे ब्रांचिंग का यूज करना पड़ता है या इफ एल्स का यूज करना पड़ता है. कोई भी ऐसी सिचुएशन जैसे इवन, ऑड, प्राइम, नॉट प्राइम, आर्मस्ट्रॉन्ग, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन हो वहां पर हमको इफ एल्स का यूज करना होगा. तो यहाँ पर आप एक चीज और समझ सकते हैं कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो दो से डिवाइड हो जाते हैं. यानी कि अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो इसमें एक शेषफल बचता है. शेषफल कितना बचेगा? 1. 3 बार डिवाइड हो जाएगा और शेषफल 1 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 1. तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है पूरे तरीके से तो हमेशा शेषफल जो है 0 बचता है. तो यहाँ पर जो खेल है वो होगा 0, जो शेषफल है उसी से हमको पता चलेगा कि अगर शेषफल 0 बच रहा है मतलब कि वो इवन नंबर है. अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 या 11 लिख देते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 11 लिखा है तो ये 5 बार जाएगा और शेषफल 1 बचेगा. यानी कि अगर ऑड नंबर आपके पास है तो हमेशा शेषफल 1 रहेगा. यही चीज हमको चेक करनी है. तो शेषफल का विशेष करके ध्यान देना है. और विजुअल बेसिक में शेषफल या रिमाइंडर निकालने के लिए MOD मॉड ऑपरेटर होता है. तो यहाँ पर मॉड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम. क्लियर है? तो कोड करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे n में जो वैल्यू आई है उसको मॉड कर देंगे. n में मॉड करेंगे 2 से, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड होता है तभी उसको हम कहेंगे कि वो आपका इवन नंबर है. अगर n मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब वो इवन नंबर है. तो इसका सिंटेक्स होता है कि मैं लिखूंगा इफ n mod 2 इक्वल टू 0 देन x 2 में क्या वैल्यू हो जाएगी? इवन. और दूसरा पार्ट है else. अब इसको पहले रन कर लेते हैं फिर समझते हैं कि कोड में क्या लिखा गया है. क्लियर? इसको मैंने रन किया, कोड आपके पास है. जैसे ही मैं यहां पर 8 दिया, ये 8 वाली वैल्यू कहां चले जाएगी? n में. देखिए लिखा है, क्योंकि ये टेक्स्ट 1 है और ये टेक्स्ट 2 है. तो टेक्स्ट 1 में जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट क्या लिखा है? 8. उसकी वैल्यू टेक्स्ट 1 में जो टेक्स्ट लिखा है वो है 8. उसकी वैल्यू होगी 8 और 8 कहां चला जाएगा? n में. उसके बाद n को 2 से डिवाइड करेंगे और शेषफल अगर 0 बचता है, इफ मतलब अगर n को 2 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 0 बचता है तो टेक्स्ट 2 में जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा इवन. यानी टेक्स्ट 2 यानी कि इसमें इवन लिखा जाएगा. अगर 0 नहीं बचता है, 1, 2, 3 कुछ भी बचता है तो वहां पर लिखाएगा ऑड. जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए ये लिख रहा है इवन. 10 देने पर क्या आता है? इवन. 11 देने पर क्या आता है? ऑड. क्लियर? तो इस तरीके से इवन और ऑड का कोडिंग किया गया है. अब इसको हम एक एक लाइन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. सारी चीजें यहां पर हमको एक ही स्क्रीन पर दिख रही है. सबसे पहले n नाम का एक वेरिएबल बनाए और इसमें जब हम कोई वैल्यू दिए वो वैल्यू कहां चले गई? इसमें. n यहां पर क्या आ जाएगा? 8. अब 8 को 2 से डिवाइड करते हैं. इस लाइन का मतलब है, इफ मतलब होता है यदि n की वैल्यू में 2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल निकलेगा, मॉड जो है वो शेषफल निकालता है. तो n में क्या वैल्यू है? 8. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0. अगर शेषफल 0 बचता है तब टेक्स्ट 2 में जो टेक्स्ट होगा, अभी तो फिलहाल टेक्स्ट 2 में ब्लैंक है, तो टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा इवन, सेट हो जाएगा इवन. तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इवन हो गया. दूसरी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ, ये जो 9 है वो कहाँ चला जाएगा? 10 में. 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि यदि 9 डिवाइड बाई 2 करने पर शेषफल 0 बचेगा क्या? नहीं, 1 बचेगा. ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन रन होगी. अन्यथा
टेक्स्ट टू में क्या लिखा जाएगा, ऑड। इस तरीके से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यही हमको सीखना है, इसको बोलते हैं टू वे ब्रांचिंग या इफ एल्स स्टेटमेंट। टू वे ब्रांचिंग या इफ एल्स स्टेटमेंट। इस कोड में किसी को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आउटपुट था उसका। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इस तरीके से डिजाइन में चेंज कर दिया, एंटर योर परसेंट। यहाँ पर आप परसेंट देंगे तो आपका रिजल्ट बताएगा पास है कि फेल है। कोड भी मैंने चेंज कर दिया है। अगर मुझे दशमलव वाली वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे इंटीजर की जगह मैंने डबल ले लिया है ताकि दशमलव वाली वैल्यू स्टोर हो सके। तो टेक्स्ट वन में आप जो भी अपना परसेंट देंगे उसकी वैल्यू जो है वो एन में स्टोर हो जाएगी। एन एक बॉक्स है जिसमें आपकी वैल्यू या परसेंट स्टोर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आपका परसेंट 33 से बड़ा है तब टेक्स्ट टू में क्या सेट हो जाएगा, पास। अन्यथा टेक्स्ट टू में लिखाएगा फेल। तो इसको रन करके देखते हैं। अगर आपका परसेंट 88.56 है तो आपका रिजल्ट होगा पास। आपका परसेंट अगर 22.23 है तो रिजल्ट होगा फेल। क्लियर है? तो इस तरीके से जब भी कोई दो में से एक डिसीजन लेना होता है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और एल्स हमेशा साथ में रहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट या टू वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करके कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक आउटपुट आपको देना है। मैंने दोनों आउटपुट बता दिया कि ये एक आउटपुट रहेगा, ये एक आउटपुट रहेगा। पहला आउटपुट होगा पास, दूसरा आउटपुट होगा फेल। लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही आउटपुट डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा वो ये बताएगा। यहाँ एक कंडीशन दी हुई होती है वो बताता है कि क्या डिस्प्ले होगा। क्लियर? तो एक बार फिर से आउटपुट देख लेते हैं। अगर आपका परसेंट है 34.25 तो आपको बताएगा ये पास, और आपका परसेंट है 22.25 तो ये लिखाएगा फेल। 32.99 होगा तो भी फेल बताएगा। ठीक है, जैसे मैं 33.99 करता हूँ तो पास, और 32.99 है तो फेल। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है कि 33 में क्या शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 33 लिखता हूँ तो यहाँ पर फिलहाल जो कंडीशन दी गई है उसमें लिखा है कि n 33 से बड़ा होगा तभी पास दिखाएगा। तो 33 में बड़ा नहीं है, ये बराबर है तो ये फेल दिखाएगा। फेल दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 33 या उससे बड़े वाली वैल्यू को पास दिखाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके का लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब 33 पास दिखाएगा। क्योंकि 33 या तो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों कंडीशन में पास दिखाएगा, सिर्फ छोटा होने पर फेल दिखाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 32.99 में भी क्या करेगा, वो फेल दिखाएगा, लेकिन 33.01 में वो पास दिखाएगा। क्लियर है? ये एक चीज और अच्छी चीज है कि अगर यहाँ पर एंड इफ क्यों लिखा हुआ है, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। क्योंकि इफ स्टेटमेंट में एक काम नहीं होता है, दो काम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर परसेंट 33 या उससे बड़ा है तो पास लिखाएगा और ग्रीन हो जाएगा। टेक्स्ट टू का जो बैक कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। और छोटा है तो टेक्स्ट टू में लिखाएगा फेल और उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो टेक्स्ट टू का बैक कलर सेट करो वीवी रेड। सिंपल सा कोड है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं कि 55% है तो पास होने के बाद ही ग्रीन हो गया। और मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 32 है, रेड हो गया। क्लियर? कि यहां पर ये चीज बता रही है कि क्या काम हो रहा है। अगर मैं यहां पर एंड इफ नहीं लिखता हूं और यहां पर एक और कोड लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहां पर मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स, यहां पर एक दूसरा इफ लिखा हुआ है, मान के चलो दो इफ है, कुछ और इफ लिखा हुआ है, तो ये एंड इफ बताता है कि ये वाला जो इफ है यहां पर खत्म हो गया है,
नहीं तो ये नीचे का जो स्टेटमेंट है वो भी एल्स में आ जाएगा। तो ये एंड इफ ये बताता है कि इफ स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है, अब यहां से कोई दूसरा स्टेटमेंट चालू किया जा सकता है, ये बताने के लिए एंड इफ लिखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एनिमेशन भी दे सकते हैं, क्लियर है?